हेलो स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम कर्व टॉपिक के बारे में। तो सर्वे में हमारा टॉपिक है कर्व, और इस कर्व टॉपिक में अब तक हम दो डेरिवेशन पढ़ चुके हैं। पिछली दो क्लासेस जो हमने बनाई हैं वो दो क्लासेस हमारी किसके ऊपर बेस्ड थी कि कर्व के हमारे पार्ट्स डिटेल, हमने इसका पार्ट्स पढ़ चुके हैं और इसके दो पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पिछली दो वीडियो आप जरूर देखें, उससे आपको ये कर्व बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मिड ऑर्डिनेट की। तो मिड ऑर्डिनेट की डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व पर कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। अब तक हम पढ़ चुके हैं रियल टेंजेंट के बारे में और लॉन्ग कॉर्ड के बारे में कि क्या होते हैं लॉन्ग कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड और सब कॉर्ड। और दूसरा हम पढ़ चुके हैं रियल टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होते हैं, और साथ साथ ये भी पढ़ चुके हैं हम कि इनको हम कैसे फाइंड करते हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में अगर हमें उसका डिफ्लेक्शन एंगल या सेंटर ऑफ एंगल हमें दे रखा हो। तब देखिए जरा, आज बात कर रहे हैं मिड ऑर्डिनेट के बारे में। तो मिड ऑर्डिनेट का हमारा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका फार्मूला हमें याद करना होता है। और इसके दो फार्मूले हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन में। कई बार देखने को मिलता है हमें कि मिड ऑर्डिनेट का फार्मूला, या इसको हम कहते हैं वर्स्ट साइन का फार्मूला। तो आज बात करते हैं मिड ऑर्डिनेट के बारे में। तो मिड ऑर्डिनेट को आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको अब आपको मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में एक बार चेक कर लीजिए, शायद से हिंदी में मध्य कोटि कहते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, अब हमें समझना ये होगा कि इसमें हमें मिड ऑर्डिनेट निकालना है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मिड ऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक आप बाई डिस्टेंस मान लीजिए। आपने माना कि M से लेके K तक क्या है मिड ऑर्डिनेट। चलो मैं ये बताता हूँ मिड ऑर्डिनेट कहते कैसे, हालांकि मैं पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर दोबारा समझिए। मिड ऑर्डिनेट हमारा क्या है कि किसी भी कर्व में जहां हमारी लॉन्ग कॉर्ड क्या है, पॉइंट T1 से लेके T2 तक की डिस्टेंस को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नोन एज लॉन्ग कॉर्ड। यानी दो पॉइंट्स के बीच में कौन कौन से, पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के बीच की जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस, वो हमारी कहलाती है लॉन्ग कॉर्ड। लेकिन लॉन्ग कॉर्ड को हमने क्या कर दिया, सीधी लाइन से आगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर कर्व का जो सेंटर का पॉइंट है उसको हमने मिलाया। तो हमने ये देखा कि कर्व का जो पॉइंट है, किसी एक कर्व के पॉइंट पर हमें कटिंग पॉइंट मिला जिसको हमने M से डिनोट कर रखा है, और ये हमारा कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। दूसरा एक हमें लॉन्ग कॉर्ड बाइसेक्ट हुई के पॉइंट पर, तो M से लेके K तक की डिस्टेंस को, यानी कि कर्व के हाईएस्ट पॉइंट और लॉन्ग कॉर्ड तक के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिड ऑर्डिनेट या वर्स्ट साइन कहते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है वर्स्ट साइन कहते हैं। अब वर्स्ट साइन इसकी हमें डिस्टेंस कैसे फाइंड कर पाएंगे हम, तो उसके लिए आपको समझना क्या होगा कि मिड ऑर्डिनेट तक की डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये एम के बराबर, यहां पर मैंने माना कि हमें निकालना है एम से लेके के तक की डिस्टेंस, उसको मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। दूसरा आपको एक और बात याद रखनी है इसमें कि M से लेके O तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्व। देखिए ये हमारी कर्व की रेडियस है, ये भी तो कर्व की रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये भी हमारी क्या होगी, कर्व की रेडियस होगी। तो क्या इसमें हम ये लिख सकते हैं कि O से लेके M तक हम लिख सकते हैं इसको एम के प्लस के ओ, क्या लिख सकते हैं हम इसको, एम के प्लस के ओ, ये लिख सकते हैं इसको हम। दूसरा ओ एम को क्या लिख सकते हैं आप, आर लिख सकते हैं। हमें एम के पता है, हमें वाई प्लस के ओ हमें नहीं पता, तो हम फोकस करते हैं सिर्फ के ओ कैसे निकाला जाए। तो के ओ को आप देखिए जरा ध्यान से, मैंने आपको बताया था, सभी लेक्चर में बता रहा हूँ लगातार कि इस कर्व में एक ही आपको याद रखना है कि जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है, एक तो वो एक ट्रायंगल बनाना है हमें, और उस ट्रायंगल में दो ही चीज़ लेनी है केवल, कौन कौन सी, एक तो हमें जो फाइंड करनी है वो, और साथ साथ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको साथ के साथ ही लेके चलना है। तो अब देखिए इस के ओ को निकालने के लिए इक्वेशन नंबर वन मानते हैं, तो ट्रायंगल ओ टी वन के में आप देखें जरा, आप ओ टी वन के में अगर आप देखें इसको, ट्रायंगल आप देखें टी वन ओ के में आप देखें, तो टी वन ओ के में आप देखेंगे, टी वन ओ के में ये एंगल कितना है हमारा, 5/2 है। तो कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। उसके 90 डिग्री ये वाला एंगल, 90 डिग्री सामने वाली क्या हो जाएगी हमारी, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगी हमारी, बेस। तो हमें रिलेशन किसके में लेना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर में हमें रिलेशन लेना है, यानी आधार बट्टे कर्ण, और आधार बट्टे कर्ण हमारा क्या होता है, कॉस 5/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस 5/2 इज इक्वल टू, आधार हमारा है ओ के अपॉन ओ टी वन, ओ टी वन। तो यहां से आप ओ के निकाल सकते हो, ओ के क्या हो जाएगा हमारा, ओ टी वन कॉस 5/2,
और अब आप देखिए जरा ओके, यहाँ पर हमने जो फाइंड किया है इसका मान क्या हो गया, आर कॉस फाइव बाई टू हो गया। इसकी वैल्यू आप इस समीकरण में रख दें तो क्या मिलेगा आपको, आर बराबर वाई प्लस आर कॉस फाइव बाई टू। फिर आपको क्या मिल जाएगा, क्या हम इस पूरे समीकरण को इसको इधर ले आते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस आर कॉस फाइव बाई टू। यहाँ से आप r कॉमन लीजिए तो आपका फार्मूला बना r 1 माइनस कॉस फाइव बाई टू। तो ये हमारा फार्मूला है किसका, मिड ऑर्डिनेट का। तो एक फार्मूला निकल के आया मिड ऑर्डिनेट का, r 1 माइनस कॉस 5/2। ये क्या चीज है, ये फार्मूला है हमारा मिड ऑर्डिनेट का। चलिए एक फार्मूला हमने यहां पर जान लिया, लेकिन एक फार्मूला हमारा और भी इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम एक बार डेरिवेशन उसका भी हम यहां पर करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, मिड ऑर्डिनेट का हमने फार्मूला निकाला है आर वन माइनस कॉस फाइव बाई टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक और देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। दूसरा हमारा एक और फार्मूला इसके अंदर देखें, आप सोचिए कि मैंने एक सर्किल बनाया है यहाँ पर, एक सर्किल बनाया है यहाँ पर ये, और इस सर्किल में ये पॉइंट है T1 और ये पॉइंट है T2। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि दो पॉइंट हमारे एक कोई सर्कुलर, मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पूरे सर्किल को यहाँ पर देखें, ये पूरा सेंटर है, इसको हमने बोल रखा है ओ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है, ये भी आर है। यहां से लेके यहां तक और इस सेंटर से यहां तक की दूरी क्या है, आर है। तो अब आपको ये देखिए, मैंने इस पूरे कर्व देखे, ये वाला जो पूरा कर्व है आपको यहां दिखाई दे रहा होगा लाइन से, ये मैंने डॉटेड लाइन कर लिए, जो डार्क लाइन से आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सा हमारा मेन कर्व है, वो वाला। तो एक हमने प्रमेय पढ़ी थी बहुत पहले मैथ में कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर वाई है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या बचेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे बता पाएंगे आप, मुझे ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 2r है। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, 2r हो जाएगी। और इस 2r में से अगर हम y माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या बच जाएगी हमारी, 2r माइनस y, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बचेगी। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, अब मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, ये यानी ये कोई ये कौन सी डिस्टेंस हो गई हमारी वाई, और ये कितनी हो जाएगी हमारी 2r माइनस वाई। टोटल 2r है यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये हमारा सेंटर है, तो ये r हो गई, ये r, तो टोटल 2r, 2r में से वाई घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी, 2r माइनस वाई। अब आप देखिए लॉन्ग कॉर्ड माना ये c है और ये भी c है, यहाँ से लेके हमने माना कि ये हमारी ये टोटल हमारा लॉन्ग कॉर्ड c है, तो ये हमारा कितनी हो सी बाई टू हो जाएगी और ये सी बाई टू हो जाएगी। तो एक प्रमेय थी अब मैथ में कि ये मल्टीप्लाई बाई ये, हमारी प्रमेय क्या थी मैथ में कि y इंटू टू आर माइनस वाई बराबर होती है, यानी कि एक ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस बराबर होगी ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस, यानी c बाई टू इंटू सी बाई टू। ये प्रमेय हमने मैथ में बहुत पहले हम पढ़ते थे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2r y माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन 4। ये जो मैं फार्मूला बना रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए y बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, y कैसी है, नेगलेजिबल है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है कर्व पर, लेकिन ये y स्क्वायर हो गया तो और भी छोटी डिस्टेंस हो जाएगी, तो हम y स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, नेगलेजिबल, आप इसको मान लीजिए नेगलेजिबल डिस्टेंस हमने यहाँ पर इसको मान ली, तो इसको नगण्य मान लेंगे y स्क्वायर को, तो इसे छोड़ देते हैं, तो क्या बचा 2r y बराबर c स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से y बराबर क्या हुआ, c स्क्वायर अपॉन 8r। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कंपटीशन, ये फार्मूला कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है इस फार्मूले से, और डायरेक्ट वैल्यू कई बार पूछी जाती है। तो आपको याद रखना है कि मिड ऑर्डिनेट का फार्मूला हमारा सी स्क्वायर अपॉन 8r, यानी इसके दो फार्मूले हो गए, एक और कौन सा फार्मूला हो गया सी स्क्वायर अपॉन 8r। तो देखिए आप कितने फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग कॉर्ड का आ गया 2r sin 5 by 2, रियल टेंजेंट का आ गया r tan 5 by 2, और मिड ऑर्डिनेट का आ गया r cos 1 minus cos 5 by 2 और c square upon 8r। तो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये डायरेक्ट फार्मूले कर्व के कंपटीशन में पॉइंट, जब कर्व से कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन का आता है तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक, तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं तो तैयारी के लिए हमारा पूरा चैनल बनाया गया है,
जितने भी कंपटीशन के आप एग्जाम देते हैं उनकी तैयारी से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसे ज़रूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी चैनल को आप ज़रूर शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा फॉरवर्ड करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।